Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello everyone. Let's start with chapter 4. Chapter 4 hai Animal Kingdom. हमने पिछले chapters में पढ़ा था that classification बहुत जरूरी है living organisms की. वैसे ही animals की classification जरूरी है क्योंकि इतने सारे animals हैं. हमें कैसे पता लगेगा डिफरेंशिएट करने के लिए और उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टेटस देखने के लिए हमें एनिमल्स को क्लासिफाई करना जरूरी है. किस बेसिस पे करते हैं क्लासिफिकेशन? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि वो कैसे बना है, सेल्यूलर है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है, कैसे वो एनिमल बना है. बॉडी की सिमेट्री देखेंगे कि अगर हम उसे सेंट्रल एक्सिस से काटते हैं, किसी भी हाफ में काटते हैं, तो वो इक्वली कटेगा या फिर किसी एक प्लेन में इक्वली कटेगा या फिर कोई भी पार्ट उसका इक्वल नहीं होगा. नेचर ऑफ सिलोम देखते हैं. सिलोम में सिलोमिक फ्लूइड होता है, सिलोमिक कैविटी होती है. वो प्रेजेंट है तो एनिमल सिलोमेट होएगा, अगर नहीं प्रेजेंट है तो एसिलोमेट होगा. बॉडी प्लान देखते हैं, पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं. जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स भी डेवलप हो रही होती हैं. अगर दो लेयर होती हैं तो उन्हें डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, अगर तीन होती है तो उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं. सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी देखेंगे कि जो बॉडी है वो सेगमेंटेड है या नहीं, उनमें सेगमेंट्स प्रेजेंट है या नहीं. और देखेंगे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है. सो ये है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसे हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे.